नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार अपने चैनल स्टडी मटेरियल फॉर एग्जाम में। तो हम साथियों आपके लिए एक बहुत बड़ी अपडेट, बहुत बड़ी न्यूज़ लेकर आए हैं कि एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती 2021 का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है। साथियों ये आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो हम बताएंगे आपको इस भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी कि इसके भर्ती में कुल पद कितने हैं और इसकी जो आवेदन तिथि है वो कब स्टार्ट है और अंतिम तिथि आवेदन की क्या है। बात करें एग्ज़ाम डेट की तो एग्ज़ाम डेट भी इसकी कितनी है और कुछ जो नए संशोधन नियम लागू हैं वो नियम इसमें क्या है, क्या होगी इस भर्ती की उम्र, कौन कौन इसमें आवेदन कर सकते हैं, इसकी एबिलिटी योग्यता क्या है, क्या होगी उनकी आयु, ये संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो इस वीडियो के लास्ट तक आप बने रहें और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें साथियों, ताकि गवर्नमेंट अपडेट से जुड़ी न्यूज़ जो भी है सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो आप सही और सटीक जानकारी पाना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो हम चले एकदम ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से एसएससी की तरफ से आया है। ये साथियों एसएससी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके सामने है। इसमें बताया गया है भर्ती के बारे में, एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, अलग अलग डिपार्टमेंट में कम से कम 6-7 डिपार्टमेंट है इसके, इसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आवेदन तिथि है 17/7/2021 से 31/8/2021। 17 जुलाई से इसके आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं एप्लीकेशन फॉर्म और 31 अगस्त तक इसके आवेदन भरे जाएंगे। लमसम मान के चलो आप 1.5 महीने के समथिंग इसके ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे। और ऑनलाइन आवेदन फ़ीस की बात करें तो मात्र ₹100 इसके ऑनलाइन आवेदन फ़ीस है। हम इसकी डिटेल से जानकारी देखें कितनी क्या पोस्ट हैं तो इसके अंदर टोटल बताई गई है। अभी 25,274 समथिंग पोस्ट हैं के बारे में बताया गया है साथियों, 25,271 सॉरी ये इसकी टोटल पोस्ट हैं। लेकिन पोस्टें ये सीमित नहीं रहेगी, ये पोस्टें बढ़ेगी क्योंकि इसमें देखो मैंने बता दिया बीएसएफ की पोस्ट बता दी, टोटल बीएसएफ की पोस्टें बता दी है 7,545, पीसीआईएसएफ की बताइए 8,464, फिर एसएसबी की पोस्ट बताइए, एसएसबी की बता दी है 3,806, आईटीबीपी की बता दी है 1,431, असम राइफल्स की बताइए 3,785, एसएसएफ की बताइए इसमें 240। अब बात करें एनआईए की पोस्ट है और इसमें देखो एक बहुत बड़ी भर्ती है सीआरपीएफ, मतलब इसी के अंदर भर्ती शामिल है लेकिन इसमें पोस्टें और एड होगी किस किस की, एनआईए की और सीआरपीएफ की। ये बहुत बड़ी पोस्टें हैं जो अब वापस अपडेट हो सकता है ये और इसमें जुड़ जाएगी। तो आप पोस्ट इतनी मान के मत चलो क्योंकि 25,271 पोस्टें नहीं होने वाली है, इसमें पोस्टें और बढ़ने वाली हैं। और हम विस्तार से इसकी जानकारी देखें कि साथियों इसके अंदर एज लिमिट क्या होगी, तो एज लिमिट की बात कर ले तो 18 से 23 वर्ष की एज लिमिट होगी, 18 से 23 वर्ष। ये देखो यहाँ पर बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है कि 18 से 23 वर्ष के जो भी हैं कैंडिडेट वो इसमें आवेदन कर सकते हैं, 1 अगस्त 2021 तक 18 वर्ष के हो जाने चाहिए। और कहाँ कब तक, 2 अगस्त 1998 के बाद के, इससे पहले के नहीं चलेंगे, वो एलिजिबल नहीं है। ओनली फॉर एससी एसटी को छूट है 5 वर्ष का, ओबीसी को छूट है 3 वर्ष का और एक्स सर्विसमैन को छूट है 3 वर्ष की समथिंग। ये थी इसके एज लिमिट की बात कि आवेदन कैसे करें, हाउ टू अप्लाई, आवेदन कैसे करें। तो साथियों एसएससी की जो ऑफिशियल साइट है वहाँ से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं आप, मात्र ₹100 लगेंगे आपकी फ़ीस के और आप आवेदन आराम से कर दें। अगर आवेदन में कोई समस्या हो तो कमेंट में लिखें और इसके अबाउट में हमारे कॉन्टैक्ट नंबर दिए हैं वहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं। अगर एसएससी की से संबंधित कोई भी समस्या हो तो हम विस्तार से आपको जानकारी देंगे और आपकी समस्या का समाधान करेंगे। एग्जाम पैटर्न की बात करें कि एग्ज़ाम किस तरह का आएगा, तो एग्ज़ाम के बारे में बता दूँ आपको, सिंपल सा तरीका सा है कि एग्ज़ाम पैटर्न 4 पार्ट होंगे एग्ज़ाम पैटर्न में। देखो आप
एक एग्ज़ाम होगा जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 नंबरों के होंगे, एक क्वेश्चन एक नंबर का होगा, ठीक है। पहला पार्ट बात करें जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग, ठीक है, मानसिक योग्यता और रीजनिंग के ये क्वेश्चन होंगे, 25 क्वेश्चन होंगे 25 नंबर के, ठीक है। दूसरा पार्ट भी जनरल नॉलेज जीके और जनरल अवेयरेंस, करंट अफेयर्स के टोटल जो भी क्वेश्चन है इसमें सम्मिलित हो जाएंगे, जीके और करंट अफेयर्स समसामयिकी, 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, ठीक है। तीसरा पार्ट बात करें मैथ गणित का होगा जिसमें 25 क्वेश्चन 25 नंबर का होगा। चौथा पार्ट डी होगा, इसमें इंग्लिश और हिंदी जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं इसमें आप चॉइस कर सकते हैं, आपकी लैंग्वेज होनी चाहिए, आप इंग्लिश चाहो तो चूज़ कर सकते हो चाहे हिंदी चूज़ कर सकते हो, दोनों में चूज़ कर सकते हो। 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के, हिंदी वाले 25 हिंदी का कर लेना और जो इंग्लिश के हैं वो इंग्लिश के 25 क्वेश्चन करना, वो आपकी इच्छा है, ये इसकी थी। और बात करें नेगेटिव मार्किंग, तो अब की बार संशोधन हो चुका है, लास्ट ईयर इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, अब की बार 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है, 0.25 की, कहने का तात्पर्य 1/4 की इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है साथियों। और इसके अलावा ये बिल्कुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आप पूरा सिलेबस देख लेना आराम से, कौन सा टॉपिक दे रखा है, ये अलग अलग टॉपिक है। और उसके बाद भी एग्ज़ाम के बाद में हम बात करें फिजिकल की, फिजिकल के लिए हम बात करें 5 किलोमीटर की रनिंग होगी इसमें, कितने किलोमीटर की, 5 किलोमीटर की रनिंग होगी और टाइमिंग दिया जाएगा 24 मिनट मेल के लिए, ठीक है। और इसके अलावा बात करें फीमेल की, तो फीमेल के लिए 1.6 1600 मीटर की रनिंग होगी, वो 8.5 मिनट का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। और स्पेशल लद्दाख रीजन के लिए एक अलग है, लद्दाख रीजन के लिए थोड़ी इसके लिए 1.6 किलोमीटर, कहने का मतलब 1600 मीटर 6 मिनट 6.5 मिनट और गर्ल्स के लिए 800 मीटर 4 मिनट का टाइम है लद्दाख रीजन के लिए, बाकी नॉर्मल के लिए सबसे ये है। तो ये थी, इसके अलावा हाइट की बात कर ले तो हाइट इसके अंदर देख लो 170 सेंटीमीटर है हाइट मेल की, और फीमेल की बात करें 157 सेंटीमीटर इसकी हाइट है। और भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो इस नोटिफिकेशन को आराम से देख लेना, आपको मिल जाएगी जानकारी। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा आपका है तो कमेंट में ज़रूर लिखना साथियों। तो हमारी न्यूज़ कैसी लगी, अच्छी लगी तो साथियों सभी अपने ग्रुप साथियों को शेयर कीजिए और लग जाओ SSC GD कांस्टेबल की भर्ती। मान के चलो आप इंडिया के अंदर जो सबसे बड़े पदों की भर्ती मानी जाती है तो वो होती है SSC GD कांस्टेबल की भर्ती, जो एक बहुत बड़े पदों के लिए वो सबसे बड़ी भर्ती होती है जो 10th लेवल के ऊपर होती है। तो ये थी हमारी जानकारी साथियों, धन्यवाद।